अगली खास खबर है पाली से, जहां पर श्रमिकों और मजदूरों को उनके कार्यों पर फिर से नियोजित करने की मांग को लेकर कार्मिकों ने जिला कलेक्टर मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। श्रमिकों और मजदूरों को पुनः अपने कार्य में नियोजित करने की मांग को लेकर रीको जल परिशोधन संयंत्र कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि सीईटीपी के वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा वहां काम कर रहे नियोजित कामगार श्रमिकों मजदूरों को जबरन सेवा से हटा दिया गया, जिन्हें पुनः यथास्थिति लगाया जाए। इस बेरोजगारी की वजह से उनका घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। साथ ही श्रमिकों ने प्रशासन को चेतावनी देकर कहा कि 10 दिन के अंदर श्रमिकों को प्लांट में नियोजित नहीं किया गया तो उनकी ओर से उग्र प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल भी की जाएगी।